Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार के विधानसभा चुनाव ने एनडीए में एक और दरार डाल दी है, जिसका असर नतीजों के बाद सामने आएगा। इससे लगातार कम हो रहे एनडीए के घटक दलों में और भी कमी आ सकती है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी में जिस तरह से तलवारें खींची हुई है, उसे देखते हुए दोनों का अब लंबे समय तक एनडीए में एक साथ रहना मुश्किल होगा। बीते लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए से उसके दो बड़े घटक शिवसेना व अकाली दल अलग हो चुके हैं। भाजपा का अपना विस्तार तो तेजी से हो रहा है, लेकिन के सहयोगी दलों की संख्या घटती जा रही है। एनडीए में गिनती के लिए कई दल शामिल हैं, लेकिन लोकसभा व विधानसभाओं में ताकत देखें तो यह संख्या काफ़ी कम रह गई है। 3 साल पहले जनता दल यूनाइटेड के एनडीए में वापसी के बाद लगा था कि एनडीए अब ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद एनडीए में दरारें उभरनी शुरू हो गई है। शिवसेना और अकाली दल जैसे विचारधारा से मेल खाने वाले सहयोगी उससे अलग हो गए हैं। अब जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड व लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान मचा हुआ है और बिहार में लोजपा अलग चुनाव लड़ रही है, उससे लगता है कि चुनावों के बाद एनडीए को एक और बड़ा झटका लग सकता है। जदयू की तरफ से भाजपा पर लगातार दबाव बढ़ा रहे व लोजपा से नाता तोड़े। भाजपा भी कोई फैसला लेने से पहले बिहार के चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है। इसके बाद की स्थितियों से तय होगा कि एनडीए में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि दोनों दलों का एनडीए में रहना मजबूरी हो जाए। इस बीच भाजपा को पश्चिम बंगाल में भी झटका लगा है। दार्जिलिंग क्षेत्र में उसकी ताकत गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जेजीएम ने एनडीए से हटकर तृणमूल कांग्रेस के साथ जाने का फैसला कर लिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसे देखते हुए अब भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसने राज्य में बदलाव की पूरी ताकत झोंक रखी है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.